आपका ये जो लेसन 8 है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 संधि विच्छेद क्या है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए संधि विच्छेद का बहुत नियम है, कुछ नियम आप लोगों को हम बताए थे संधि विच्छेद का भी, लेकिन इसमें है संधि विच्छेद का भी बहुत नियम है। जैसे ओ प्लस ओ मिलके आ हो जाता है, ओ प्लस ई मिलके ए बनते हैं। जैसे कि मान लो तथैव है, तथा जोड़ एव, तथा आ प्लस ए तथैव, तथैव आ प्लस ए मिलके क्या हो गया, ए। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे नियम है। अभी तो मैं सिर्फ आपको लेसन करवा रही हूँ, ये कम्प्लीट होने के बाद कुछ ग्रामर भी पढ़ाऊंगी। तो पहले देखिए यहाँ पे है बाइंते ओपी, पहला क्या है बाइंते यो अपी, इसका क्या होगा बाइंते प्लस अपी, ओके। दूसरा नीचे देखिए इसके है युगांतरे, युगांतरे, युगांतरे का क्या होगा युग जोड़ अंतरे, युग युग प्लस अंतरे, युगांतरे। तीसरा नंबर देखो है महता मेक रूपता, महता मेक रूपता, महता में एक रूपता का क्या होगा बेटा, महताम प्लस एक, महताम प्लस एक क्या हो गया महता मेक, महताम प्लस एक महता मेक प्लस अरूपता, अरूपता, ठीक है। उसके बाद फोर नंबर देखिए है अध्यय, अध्यय तो इसका क्या होगा अध जोड़ एव, अध्यव अध जोड़ एव। पांच में क्या है एबास्त मेती, तो क्या होगा एव प्लस अस्त मेती, एव प्लस अस्त मे बी, क्या हो गया एव प्लस अस्त मे बी, इसका क्या हो जाएगा बेटा एवास्त मे बी, ओके। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर, सिक्स में है सत्यानपी, सतान्यपी, तो इसका लिखिए सत प्लस अन्यपी, अन्यपी सत्या। अब यहाँ पे है सत्यानपी आ है, लेकिन ये क्या हुआ है अ और अ मिलके क्या बन जाएगा बेटा आ, तो ये क्या हो जाएगा सत्यानपी। तो देखिए आप लोगों का संधि विच्छेद, तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट करवा रही हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इस बार आप लोगों को लेसन जो है वो 9 या 10 तक आएगी, पिछले बार 3 तक आई थी पिछले टर्म में, तो थोड़ा कम था। इस बार आप लोगों को चैप्टर्स ज्यादा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, लर्न करें अभी से। कुछ डॉटेज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों
निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ओके, विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा, आप लोगों को तो पता है, आप लोग फिफ्थ में चले गए हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया है संस्कृत में उसका हमें लिखना है उल्टा शब्द। तो पहला है उदेती, उदेती मीन्स क्या होता है उगना, तो एवास्तमेती मीन्स अस्त, अस्त होना। उदेती का क्या, उदेती का क्या होगा एवास्तमेती, उदय क्या अस्त होता है उसी प्रकार। प्रियावादिना, प्रियावादिना मीन्स क्या होता है प्रिय बोलने वाले, तो उसका क्या होगा बेटा अप्रियावादिना, उसका क्या होगा अप्रियावादिना। निर्गंधा, निर्गंधा मीन्स होता है जिसमें गंध ना हो, इसका क्या होगा सुगंधा। परोक्षे समक्षं, परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे, समक्ष के मतलब होता है सामने। उसका बाद है सुलभा, सुलभा का क्या होगा दुर्लभा, सुलभा मीन्स होता है सुलभ काम, और दुर्लभा मीन्स क्या होता है बेटा दुर्लभ काम। ओके, मित्र, मित्र का क्या, मित्र, मित्र का शत्रु भी हो सकता है दुर्जन, मित्र मीन्स होता है मित्रता मित्र, और दुर्जन मीन्स होता है दुष्ट शत्रु। धीरा, धीरा मीन्स होता है धैर्यवान, अधीरा अधैर्यवान। पंडिता, पंडिता मीन्स होता है पंडित, और मूर्खा, मूर्खा का मतलब जो मूर्ख होता है पंडित का मूर्ख। तो चलिए करके दिखाते हैं, पहला है उदेती, उदेती, उसके बाद है प्रियावादिना, निर्गंधा, परोक्षे। उदेती का क्या हो जाएगा एवास्त, एवास्त में ती, एवास्त में ती। प्रियावादिना और प्रियावादिना, और प्रियावादिना। उसके बाद है निर्गंधा, सुगंधा, सुगंधा। परोक्षे समक्षं, समक्षण, समक्षण में सामने। उदेति एवास्तमेति, प्रियावादिना अप्रियावादिना, निर्गंधा सुगंधा, परोक्षे समक्षण। ओके बेटा, उसके बाद आप लोगों को देखिए नेक्स्ट में क्या है, इधर है सुलभा, सुलभा में होता है सुलभ, सुलभ, सुलभा, इसका लिखिए दुर्लभा, दुर्लभा। सुलभा का दुर्लभा, मित्र, मित्र का क्या होगा दुर्जन, दुर्जन। उसके बाद है धीरा, धीरा का क्या होगा अधीरा, अधीरा। उसके बाद है पंडिता, क्या है मूर्खा। अब देखिए इससे पहले फोर नंबर क्वेश्चन में क्या था, निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति वचन एवं लिंग बताएं, तो वो मैंने आपको करवा दिया शास्त्रेषु न्यायात जो भी था। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद, सिक्स नंबर में है शब्दों का विलोम शब्द। तो सबसे पहले उदेती, उदेती का मतलब क्या होता है उगना, और एवस्तमेति का मतलब होता है अस्त होना। प्रियावादिना, प्रिय बोलने वाला, और प्रियावादिना, और प्रिय बोलने वाला। निर्गंधा, जिसमें गंध ना हो, सुगंध जिसमें गंध हो। परोक्षे, परोक्षे का मतलब क्या होता है पीठ पीछे बोलने वाला, और समक्षम पीठ पीछे बोलने वाला का क्या होगा सामने बोलने वाला। सुलभा दुर्लभा, मित्र दुर्जन, मित्र का क्या होगा दुर्जन। धीरा अधीरा, पंडिता मूर्खा, पंडिता का क्या होगा मूर्खा, पंडित का मतलब पंडित, उसके पंडित का मूर्ख। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नवम पाठ में देखिए है पत्र लेखनम, अब इसको हम नेक्स्ट क्लासेज में करवाएंगे। फिलहाल आप लोगों का क्वेश्चन है, शब्दार्थ भी है, तो चलिए शब्दार्थ को पहले आप इसे देखिए वीडियो को, फिर मैं शब्दार्थ समझा देती हूँ। शब्दार्थ में देखिए है
निंदंतु, निंदंतु का मतलब होता है निंदा करें। आप लोगों के पास बुक होगा, जिसके पास बुक नहीं है मैं इसका फोटो भी खींच के आप लोगों के क्लासरूम में भेज दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी गांव में हैं, बाहर है यहाँ से, तो एक बार मैं इसे रीड करके पढ़ के सुना देती हूँ। निंदंतु का मतलब क्या हुआ, निंदा करें। स्वस्तु बंतु, प्रार्थना करें। नीति नीति नी पुना, नीति में कुशल। समाविष्टु आए, यथेष्टम इच्छा अनुसार। यगांतरे युगों के बाद। प्रविचलंती, प्रविचलंती में क्या होता है, विचलित होता है, धीरा धैर्यवान व्यक्ति। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन से संपन्न। निर्गंधा गंधहीन। श्रोतं कानों की, श्रोत्रंग मिस कानों की, श्रुते नैव मिस शास्त्रों के सुनने से। पानी, पानी मिस क्या होता है, हाथ। विभाति शोभित होता है। काय शरीर, सुलभा आसानी से प्राप्त करने योग्य। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। परोक्षे पीठ पीछे, प्रत्यक्षे सामने। परोक्षे का हम यहाँ पे प्रत्यक्षे भी लिख सकते हैं, समक्षम और या तो प्रत्यक्षे। परोक्षे का लिखेंगे हम प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे, समक्षम या प्रत्यक्षे, ये दोनों हो सकता है। कुंभ कुंभम घड़ा, पयह दूध। उदेती मिस होता है होता है, उदय होता है। सविता शुड, ताम्र लाल। महताम महान पुरुष। खटपद भौड़ा, समुद्रेत ग्रहण करता है। पंडिता विद्वान, विद्वान व्यक्ति। विपदा विपत्ति। कूप खनन कुआं खोदना। युक्तं उचित, वहिना अग्नि के। गोरक्षियं गायों के रक्षा। विपानी व्यापार। कुशीदंग ब्याज, कुशीदंग का मतलब क्या होगा, ब्याज ब्याज। पिपील का नर चीटी। बैनते गरुर, बैनते गरुर। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया बेटा। एक इसमें मैंने जो सूर्य पश्चिम अस्त होता है उसका होगा सिर्फ सविता एवास्तमेति। इसमें जो यहाँ पे मैंने ताम्र किया है वो नहीं होगा। चलिए इसको मैं आपको बुक्स में जो पिक भेजूंगी उसमें कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।